तादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः इह चेदसकद्बोद्धुम् प्राक् शरीरस्य विस्रसः ततः स्वर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते यथा दर्शे तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथा तु परीव ददृशे तथा गंधर्वलोके छाया तपयोरिव ब्रह्मलोके। ये कहते हैं कि प्राणों का भी प्राण प्राणे प्राण एजति निस्त्रितम् प्राणे प्राणे अर्थात प्राणस्य प्राणे प्राणस्य प्राण प्राण का भी प्राण परमात्मा है। जग इदम किंच जगत सर्वम निस्त्रितम् सत एजति प्राण रूप अधिष्ठान में परब्रह्म परमात्मा में ये संपूर्ण जगत फूर करके निस्त्रता ठसाठस अधिष्ठान में केवल ज्ञानात्मक रूप से ही फूर कर कंपित हो रहा है, चल रहा है, दिखाई पड़ रहा है। वो महद वस्तु, वो प्राण, प्राण का प्राण, वो परब्रह्म परमात्मा उद्यतम इव वज्रा हो, तो जैसे वज्र उद्यत हो गए, किसी ने उठा रखा हो वज्र, ये मारा और सामने वाला कांप रहा हो, ऐसे ब्रह्मा कांपे, विष्णु कांपे, कांपे महादेवा, ब्रह्मा कांप रहे हैं, विष्णु कांप रहे हैं, महादेव कांप रहे हैं, नाच नदी व सहित समाजा, माया नाच रही है, जगत नाच रहा है और नाचने वालों के साथ भगवान भी नाच रहा है। तो देखो तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाध्यता। उसी को जो पहचान लेता है जिसमें ये सब कांप रहा है, जिसमें ये सब कांप रहा है, तो ये नहीं समझना कि वो धरती की तरह नीचे होगा और हम उसके ऊपर नाच रहे होंगे, ऐसे नहीं समझना। क्योंकि यदि वो धरती की तरह नीचे हो गए तो ऊपर वो नहीं होगा और ऊपर नहीं होगा तो अधूरा हो जाएगा। तो बोले अच्छा वो आकाश की तरह है और हम उसमें हवा की तरह नाच रहे हैं, ऐसा भी नहीं समझना। क्यों? आकाश में तो अवकाश होता है, कार्य कारण भाव होने से कारण में कार्य की स्थिति होती है, परंतु परब्रह्म परमात्मा न कार्य है न कारण है, वो अवकाशात्मक नहीं है। परब्रह्म परमात्मा जो है वो आकाश के समान अवकाश देने वाला है ही नहीं, उसमें द्वैत की उपस्थिति नहीं है। तब ये कैसे नाच रहा है?
है ना, नाच रहा है परमात्मा और मालूम पड़ता है कि दुनिया नाच रही है। तो बोले अच्छा परमात्मा नाच रहा है तो परमात्मा भी स्पंदनशील हुआ ना, जगत हुआ, चलन वाला हुआ। अरे जो इसको देख रहा है वो तो नहीं नाच रहा है ना, जो इस परमेश्वर के नृत्य को देख रहा है वो नहीं नाच रहा है, वो तो देख ही रहा है। लेकिन कहां देख रहा है कि अपने आप को ही देख रहा है। यही सोपाधिक निरुपाधिक बोलते हैं, जब तक अंतकरण की उपाधि है तब तक प्रेम का नृत्य अथवा भय का नृत्य। भय का नृत्य भी होता है वो, ये नारायण जो सर्कस होते हैं ना, सर्कस जिनमें शेर को नचाते हैं वो तो डर से नाचते हैं। नर्तकी नाचती है लोभ से नाचती है, प्रेमी नाचते हैं प्रेम से नाचते हैं। कोई ईश्वर के प्रेम से नाचता है, कोई धन के लोभ से नाचता है, कोई भय से नाचता है, परंतु कंपन सब में है। ईश्वर जी देखता है भय से, किसका भय है उसको, लोभ से, किस चीज का लोभ है उसको, कामवश का नहीं, काम से भी नहीं नाच रहा है। तब ईश्वर कैसे नाच रहा है, तब माया की उपाधि से नाच रहा है। बोला नाचती है माया और मालूम पड़ता है कि ईश्वर नाच रहा है। अब आओ जरा एक बात परीक्षा करें, समीक्षा करें, परीक्षा करें माने तर्क की कसौटी पर इसको कसें, और समीक्षा करें माने इसको अनुभव का विषय बनाना है। परीक्षा करना तर्क की युक्ति की कसौटी पर कसना है, और समीक्षा करना इसको अनुभव का विषय बनाना है। आओ इसको एक बार चेतन गदो हो अमृत आस्ते भवंती, क्यों जाने इसको, जो जानता है सो अमृत हो जाता है। भयादस्याग्निस्तपति सूर्य भयादिंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। एक बात है कि ये जो ईश्वर है, ये हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी सिख यहूदी इनके मजहब वाला मजहबी खुदा नहीं है ये। बोला लोगों ने अपने अपने मजहब का संस्कार ईश्वर पर डाल करके उसको भी मजहबी बना दिया। तो हम पहले कल्याण में जब चित्र बन के आते थे ना तो देखते थे, राम का कृष्ण का चित्र हो तो खड़ा तिलक लगाते थे, और दैत्यों का हो ना वैष्णव का हो तो खड़ा लगाते थे, और दैत्यों का हो तो बिल्कुल आड़ा लगाते थे। तो हम पूछते थे ऐसा क्यों करते हो भाई, खड़ा तिलक और आड़ा तिलक। तो माने ईश्वर में भी संप्रदाय घुस गया। तो ये जो ईश्वर है इसको समझो कि भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम, श्रुति में कहा ना भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम। भय भी जिससे भयभीत रहता है, और जो भीषण का भी भीषण है, भीषण का भी भीषण है माने जिसकी सत्ता स्फूर्ति से भीषण में भीषणता आती है, और जिसकी सत्ता स्फूर्ति से भय में भय आता है, तो वो भी भय होगा। भयानाम भयम करने से वो बहुत मजेदार हो गया। आप देखोगे जब कहते हैं ना कि वो आंख का आंख है, कान का कान है, ऐसे बोलते हैं ना, मन का मन है, तो एक मन है संस्कार वाला, एक कान है संस्कार वाला, एक आंख है संस्कार वाली है, और उसमें असंस्कारी रहकर जो सत्ता स्फूर्ति देता है
वो है आंख का आंख, है ना, वो है प्राण का प्राण, वो है मन का मन। विवेक करके देखो, भयानाम भया। एक दिन जमराज के दूत समझो और धर्मराज के दूत दोनों आपस में लड़ गए। तो धर्मराज के दूत देखने में बड़े सौम्य थे और जमराज के दूत देखने में बड़े भीषण थे। दोनों में हो गई लड़ाई। अब दोनों ताकतवर, तो दोनों में ताकत कहां से आई वो देखो। तो वो ईश्वर की ही ताकत दोनों में काम कर रही है। भयानाम भया, एक धर्म की उपाधि से युद्ध कर रहा है, एक अधर्म की उपाधि से, अधर्म की शक्ति की उपाधि से युद्ध कर रहा है। व्यक्ति में धर्माधर्म के संस्कार हैं, एक कौरव लड़ रहा है, एक पांडव लड़ रहा है, एक राम पक्ष के बानर लड़ रहे हैं, एक रावण पक्ष के राक्षस लड़ रहे हैं, दोनों में शक्ति है, दोनों बड़े भयंकर हैं। पर राम भक्ति की उपाधि से बानर लड़ रहे हैं और रावण भक्ति की उपाधि से राक्षस लड़ रहे हैं, परंतु सत्ता स्फूर्ति दोनों को देने वाली चीज एक ही है। भया नाम भया, देखो दस पंखे चल रहे, दसों में बिजली एक है, दस बल्ब जल रहे, दसों में बिजली एक है, दस हीटर, दस रेफ्रिजरेटर चल रहे, सब में बिजली एक है, सबको नचा रही है, सबको नचा रही है बिजली। ऐसे एक ज्ञान है, ज्ञान देखो। आप पहले अपने भीतर इस भय को देख लो, भयादस्याग्नि तपति भयात तपति सूर्य। आपको कुछ बोलना होता है और न बोलो तो भीतर से कोई जैसे सुई चुभ होता है, ये बात क्यों नहीं बोलते, बोलने को विवश करता है वो। तुम्हारी कौन विवश करता है, तुम्हारी संस्कार युक्त जो जानकारी है वो विवश करते हैं। बोलने में ज्ञान तो है, बोलने की प्रेरणा में ज्ञान तो है, परंतु देखे हुए का सुने हुए का संस्कार है। आप भीतर अगर इस बात को ध्यान से समझ लो तो ईश्वर की बात समझ में आ जाए। अच्छा, आपके सामने जब जहर का प्याला आता है तो आपको पीने से कौन रोकता है, जहर पीने से मर जाते हैं, ऐसे संस्कार से युक्त जो ज्ञान वही ना तो विष से भय देता है। आपको भय देने वाला वहां पड़ोसी नहीं है, आपका शत्रु तलवार लेकर सिर पर खड़ा नहीं है, आपके हृदय में रहने वाला ज्ञान विष की मारकता से के संस्कार से युक्त होकर आपको विष पीने से रोकता है। लेकिन जब आपको झूठ बोलना होता है, ये भी एक बात सामने है ना, झूठ बोलना होता है, तो जरा हल्के ढंग से तो मना कर देता है कि मत बोलो, अरे झूठ मत बोल भाई। लेकिन जब उधर ये कहता है कि झूठ बोलने से तो पैसा आएगा, इज्जत बढ़ेगी, तो भय और लोभ आपस में लड़ जाते हैं। देखो, पैसा आने से सुख मिलेगा ये भी ज्ञान ही है, और झूठ बोलने से पाप लगेगा ये भी ज्ञान ही है। तो झूठ बोलने से पाप लगेगा, एक संस्कार तो तुम्हारे अंतकरण में ये है, ये धर्म का संस्कार है, सत्य बोलना चाहिए, ये धर्म का संस्कार है। और पैसा मिलने से बड़ा सुख मिलेगा, ये लोभ की पूर्ति से सुख मिलेगा, ये भी एक संस्कार तुम्हारे अंतकरण में है। और ज्ञान दोनों में एक है, एक परमात्मा जो है ज्ञान स्वरूप दोनों में है, इसमें परमात्मा नहीं हारता हो,
जब तुम झूठ बोलते समय हार के झूठ बोलते हो ना, लोभ से हार के झूठ बोलते हो, तो ज्ञान स्वरूप परमात्मा वहां नहीं हार गया, वहां तो लोभ से सत्य का प्रेम, सत्य की निष्ठा, झूठ न बोलने का संस्कार हार गया। लेकिन जहां जहर का प्रसंग आया, वहां एक महात्मा थे वृंदावन में, जरा हल्के ढंग से इस बात को समझ लेना अच्छा रहेगा। जो लक्षण स्वम पदार्थ पर घटित नहीं होता, वो लक्षण तत् पदार्थ पर भी घटित नहीं होता। अगर आप, क्योंकि दोनों एक हैं, मूल में दोनों एक हैं, इसलिए जो लक्षण स्वम पदार्थ पर घटित नहीं होगा, वो लक्षण तत् पदार्थ पर भी घटित नहीं होगा, और जो लक्षण तत् पदार्थ पर घटित नहीं होगा, वो स्वम पदार्थ पर भी घटित नहीं होगा, क्योंकि मूल में दोनों एक हैं। एक महात्मा थे वृंदावन में, तो उनका स्वभाव जरा कि लोग आग्रह करते हैं, बहुत जिद करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा आदर करते हैं, तब मजबूर होकर उनको लेना पड़ता है। तो बोले कि अच्छा, अगर कोई एक लड़की लेके आवे और उनसे आग्रह करे कि ब्याह कर लो तो करेंगे हैं? तो बोले कि नहीं करेंगे। अब क्यों दूसरों के मजबूर करने पर वो पैसा तो ले लेते हैं, और क्यों दूसरे के मजबूर करने पर ब्याह नहीं करते? यदि दूसरों से मजबूर करने पर ही कोई काम मनुष्य कर लेता है, तो पैसा लेने वाले को ब्याह भी करना चाहिए। इसका अभिप्राय क्या है कि ये जो हमारे भीतर बैठा हुआ ज्ञान है ना, वो हमारे संस्कारों के द्वारा हमारे जीवन पर शासन कर रहा है। शासन तो हमारा ज्ञान ही करता है। अंत प्रविष्ट शास्त्रा जनानाम, वो मनुष्य के भीतर रह करके ही शासन करता है। क्यों कुत्ता जो है वो रोटी लिए हुए आदमी को आते जब देखता है तो पूंछ हिलाते हुए उसकी तरफ जाता है, और डंडा लेकर आदमी को आते हुए देखता है तो वो भागता है? पशु अभिविष्टा विशेषा, देखो ज्ञान है उसको, है ना? ये मनुष्य है। रोटी खाने से हमको सुख मिलेगा, ये जहां ज्ञान होता है वहां प्रवृत्ति होती है, और डंडा खाने से हमको दुख मिलेगा, ये जहां ज्ञान होता है वहां से निवृत्ति होती है। तो असल में ज्ञान ही निवर्तक है और ज्ञान ही प्रवर्तक है। अब जहां हम ज्ञान के विपरीत आचरण करते हैं वहां क्या होता है? देखो, ज्ञान डरवाता भी बहुत है। भयादस्याग्नस्तपति, एक आदमी ने कभी अपने हाथ से ऐसा काम किया जो नहीं करना चाहिए था, वो जानता था कि करना नहीं चाहिए, भीतर से ज्ञान ने अनुशासन भी किया कि नहीं करना चाहिए, लेकिन क्रोध का वेग ऐसा आया, हिंसा का वेग ऐसा आया कि वहां सत्य की जो निष्ठा थी, अहिंसा की जो निष्ठा थी, उसकी जगह हिंसा की निष्ठा प्रबल हो गई। अब परमात्मा, जो निष्ठा प्रबल हो जाता है, परमात्मा की शक्ति उधर को, परमात्मा का ज्ञान, अपना ज्ञान उधर झुक गया, तो उसने हिंसा कर दी। अब वो पागल हो गया। देखो ये क्या हुआ, द्वंद्व हुआ ना, हिंसा और अहिंसात्मक ज्ञान के भीतर द्वंद्व हुआ। द्वंद होने पर वो पागल हो गया। तो पागलपन में वो क्या करता था, बस बारंबार पानी से अपना हाथ धोया करे, बारंबार पानी से अपना हाथ धोता था। एक बार किसी ने अपने गुरु को गाली दे दी, पागल हो गया। तो बारंबार वो पानी मुंह में लेके कुल्ला करे, पागलपन में कुल्ला करे वो। तो हमारे भीतर बैठा हुआ जो ज्ञान है, वो हिंसा से भी असंग रह करके, अहिंसा से भी असंग रह करके वस्तु को प्रकाशित करता है।
परंतु वही तत्त्व वृत्तियों में जो निष्ठा है, जादृश संस्कार है, जैसा संस्कार है वैसे संस्कार पर आरूढ़ होकर के मनुष्य के जीवन का संचालन भी करता है, और उसके विपरीत होने पर वो दंड भी देता है। ग्लानी भी उसी से होती है, मलानी भी उसी से होती है। हम एक आदमी को जानते हैं, यहां नारायण स्त्री समझो पुरुष समझो बैठा है, वो किसी की निंदा करके आया। तो जब तक निंदा नहीं करता था तब तक उसके मुख पर एक प्रसाद था, है ना, उसकी आंख में एक चमक थे। वो मिलता था तो जैसे फूल खिलता है ऐसे मिलता था, और जब वो निंदा करने के बाद मिलने लगा है तो उसकी आंख कुंभला गई, है ना, उसका उसके होठों की जो मुस्कान थी वो मुरझा गई, है ना। क्यों मुरझा गई? कोई भीतर से उसको भयभीत करने वाला है। तो असल में ज्ञान तो है शुद्ध, और उसमें जो पक्ष विपक्ष होता है वो संस्कार के कारण होता है, और जिस पक्ष का संस्कार प्रबल होता है वो हाथ में डंडा लेकर के दूसरे पक्ष को मार देता है। भयादस्याग्निस्तपते, अब अग्नि शब्द को ले लो, अग्नि माने जीव के पीछे जो अग्नि देवता बैठे हुए हैं वाक के पीछे सो है। तो अब देखो, ज्ञान तो है परमात्मा और अनादि सिद्ध है बोलने का संस्कार, और अच्छा बुरा सीख के उसमें से बाहर से भर दिया। बोलने का संस्कार अनादि सिद्ध है, ज्ञान अनादि अनंत है, और बोलने का संस्कार अनादि और शांत है, और उसमें अच्छा बुरा बोलने का है ना बाह्य पदार्थ के संबंध से अच्छा बुरा बोलना, अच्छा बोलना बुरा बोलना ये आगंतुक है। भाषा भी आगंतुक है, हो भाषा भी आगंतुक है, बुद्धि भी आगंतुक है। ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है, ये बुद्धि भी बाह्य दर्शन से आई, भाषा भी बाहर से आई, है ना। और उसमें जो बोलने की शक्ति है वो अनादि है, माया है, बोला माया की वृत्ति है वो। कान में अलग, नाक में अलग, आंख में अलग, हाथ में अलग, पांव में अलग, ये अलगाव जो है ये वृत्ति है, और इनमें मूलभूता जो शक्ति है वो माया है। उसी माया पर ये ज्ञान जो है उसी माया पर बैठ करके हमारे संस्कार के अनुसार वृत्तियों को कभी डराता है कभी फुसलाता है। भयादस्याग्निस्तपति, वाणी कैसे बोलती है? ज्ञान से बोलती है, ज्ञान न हो तो कैसे बोलेंगे? ज्ञान से बोलती है, संस्कार के अनुसार बोलती है। और कभी यह हुआ कि यह बोलने में बड़ा अनिष्ट है तो जीभ बोलते बोलते हो चुप हो जाएगी। कभी कभी ऐसा प्रसंग आता है कि बोलते बोलते हम बात के दूसरे भाव से बोलना प्रारंभ करते हैं, पर बीच में कोई रोक के उस वाक्य को घुमा देता है दूसरी तरफ, ऐसा है। तो ये जो जीव के पीछे बैठ करके उष्णता, हमारे अन्न खाए हुए की उष्णता, गर्मी है ना, आत्मा बुद्धिया समेत्यर्थान मनोयुंगते विवक्षया, आत्मा बुद्धि के द्वारा विषय की कल्पना करके फिर मन को बोलने के लिए नियुक्त करता है। मन शरीर की गर्मी पर चोट पहुंचाता है, उससे वायु चलती है। सप्रेरयति मारुतम, मारुतस्तूरसि चरन मंद्रम जनयति स्वरम, वायु से ध्वनि पैदा होते हैं, और ध्वनि पैदा होकर के जिह्वा से निकलती है। तो ये जो समझो कि बाहर समष्टि में जो अग्नि है वो ठंडा क्यों नहीं हो जाता, उसको गर्म रखे हुए कौन है? ये जो इतनी निष्ठा के साथ अपनी गर्माहट में टिकी हुई अग्नि है, अपनी दाहकता में
वो ईश्वर स्वरूप जो सत्ता है वही उसको शक्ति दे रही है, और ये हमारी जो जीव ये बोलना चाहिए और ये नहीं बोलना चाहिए, ये जो विवेक पूर्वक बोलती है वो भीतर बैठ करके यही ज्ञान स्वरूप परमात्मा जो है इस अग्नि का संचालन करता है। एक अग्नि देवता देवलोक में रहता है, एक अग्नि देवता भूतलोक में, एक अग्नि पदार्थ भूतलोक में रहता है, एक अग्नि हमारे शरीर के भीतर रहती है। तो आध्यात्मिक अग्नि, आधिदैविक अग्नि और आधिभौतिक अग्नि, तीनों का नियंता कौन है? जैसे व्यष्टि में अग्नि का नियंता, जीव को बोलने दो जीव को मत बोलने दो, इसका नियंत्रण क्या नहीं करता है। आपको यह भी मालूम होगा, आप भले कभी तमाशा करके देख सकते हो, जैसी बुद्धि उत्पन्न कर दी जाए उसका शरीर पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। एक धनी सेठ होए और उसके मन में घाटे की बुद्धि, उसके अंतकरण में घाटे की बुद्धि उत्पन्न कर दो, झूठ ही है, देखो उसको दस्त लगने लगेंगे, सत्ती आने लगेगी, हो भयादस ज्ञान जो है, बुद्धि जो है, अब यहां ज्ञान बुद्धि हो गया है, मनुष्य के शरीर में बुद्धि हो करके ज्ञान जो है वो बुद्धि हो करके उसके स्वास्थ्य का भी नियंत्रण, स्वास्थ्य का भी नियंत्रण करता है। अच्छा, एक आदमी को झूठे ही खबर दे दो कि तुम्हारा अमुक रिश्तेदार जो परदेश में था वो मर गया, देखो उसकी आंख से आंसू गिरने लगेंगे, आंख से आंसू क्या मृत्यु ने गिराया, क्या आंख से आंसू परदेश में रहने वाले आदमी ने गिराया? क्या नहीं, तुम्हारी बुद्धि ने ही तो आंसू गिराए ना, जब मरने की बुद्धि हो गई, हाय हाय हमारा रिश्तेदार मर गया, तो आंख से आंसू गिरने लगे, वही तो नियंत्रण करता है ना। कई तरह की चिकित्सा होती है, इस ढंग से कई तरह की चिकित्सा की जाती है, बुद्धि उत्पन्न करके भी चिकित्सा होती है। हो, आयुर्वेद में तो ये सिद्धांत माना हुआ है कि आधा रोग वैद्य की वाणी से जाता है, आधा और बचा आठ आना, आठ आने में छह आना रोग रोगी के पथ्य से जाता है और दो आने भर की मदद दवाई करती है। एक मानस चिकित्सा भी तो होती है ना, मानस चिकित्सा। अब देखो, हम एक 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 आज उदाहरण बताते हैं। एक स्त्री थी, उसके शरीर में पक्षाघात हो गया था, पक्षाघात, हाथ उठते नहीं थे, हाथ नहीं उठता था, परंतु सुंदर थी, युवती थी, हाथ उठते नहीं थे, और साथ साथ उसके अंदर धर्म का संस्कार था। अब डॉक्टरी दवा से जब वो अच्छी नहीं हो रही थी, तो एक ने बंद कर लिया कमरा और जाकर उसके शरीर पर से कपड़े को खींचा, जैसे उसके साथ बलात्कार करना चाहता हो, और बलात्कार को रोकने के लिए इतना वेग उस युवती के शरीर में आया कि वो उठ करके बैठ गई और दोनों हाथ से अपने कपड़े को पकड़ के खींच लिया, बोला हाथ में शक्ति आ गई। भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्या, ये देखो ये क्या है, ये ज्ञान ने ही तो उसके हाथ में शक्ति भर दी। एक अब देखी हुई बात सुनाता हूं। एक अनूप शहर नाम का कस्बा है, बुलंदशहर जिले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, वहां उड़िया बाबा जी महाराज की बड़ी महिमा, बड़ी प्रतिष्ठा, बड़े भक्त थे। एक स्त्री थी महाराज, वो तीन महीने से उठती नहीं थी, पलंग पर लेटी हुई थी, वो तो देहात में चारपाई काट देते हैं, लेते ही लेते शौच कर लो टट्टी हो जाते, तो तीन महीने से वैसे ही पड़ी हुई थी। उड़िया बाबा जी महाराज संजोग वो अनूप शहर गए, उसके पति ने आके प्रार्थना की कि महाराज हमारी पत्नी बीमार है, आपकी भगत है, दर्शन दे दो। डांट दिया बाबा ने कि नहीं आवेंगे, ऐसी कह दिया नहीं आवेंगे, हम नहीं जाते घर। तो वैद्य ने जाके अपनी पत्नी से कह दिया कि महाराज तो नहीं आवेंगे, तो उसको बड़ी निराशा हुई, वो रोने लगी।
दूसरे दिन क्या हुआ कि प्रातः काल 5:30-6 बजे जब गंगा स्नान करने के लिए महाराज जाते थे ना गंगा पर, उनके दरवाजे पर से निकले और एकाएक किवाड़ी खोल के जिस कमरे में वो औरत लेटी हुई थी उसमें घुस गए। बोले उठ, क्या ढोंग करती है। अब वो महाराज बाबा को देख करके ऐसा आवेश आया उसको कि 3 महीने से लेटी हुई झट उठ के बैठी और पांव धरती पर नीचे करके और साष्टांग दंडवत किया। बाबा ने कहा उठो चल गंगा जी। अब वो महाराज तुरंत गंगा जी बाबा के साथ चल के गंगा जी गई और स्नान किया। ये हम आपको यूं सुनाते हैं कि मनुष्य के जीवन में ज्ञान जो है वो कितना नियंत्रण करता है। ये नहीं कि बाबा ने कोई उसके ऊपर जादू कर दिया कि माया कर दिया कि चमत्कार कर दिया कि सिद्धि, उसके ज्ञान में जो बाबा के प्रति श्रद्धा थी ना, ओहो हमारे घर में ईश्वर आ गया, वो चमक उठी और उठ गई। अच्छा देखो, गांव में कई तरह की चिकित्सा हम लोग केवल ज्ञान से करते हैं। एक दिन ये स्वामी प्रबुद्धानंद जी सरस्वती है ना, ये बैठे हैं हमारे सामने, ये आए थे थोड़े दिनों की बात थी, तो आए थे जब तो बाल बाल रखते थे वो पैंट पहनते थे और आपको आश्चर्य होगा इनके घर के लोग आए हमको, हमसे पूछ के नहीं आए थे। मैं जबलपुर से पंजाब मेल से या किसी दूसरी गाड़ी से हरिद्वार जा रहा था सीधे, तो ये आके ट्रेन में आगरे में बैठ गए वहां गए तो इनके घर के जो इनके बहनोई आए इनके बाप आए, तो उन्होंने हरिद्वार में कहा कि हमारे लड़के को बहका के ले आए हैं स्वामी जी। तो हमने कहा अच्छा चलो लड़का ही तो लाए हैं, कोई लड़की थोड़ी लाए हैं अभी, अरे कोई बात नहीं लड़के का बहकाना हम सह लेंगे। किसी का होता तो कोई विचार भी करते उस पर। तो एक दिन चलते चलते हम लोग वृंदावन से दिल्ली जा रहे हैं, तो एक ओखला बांध पड़ता है वहां गए, बड़ा सुंदर दृश्य था, जमुना जी भरी हुई बांध पर, बड़ा सुंदर बगीचा, बड़े सुंदर दृश्य। उसके पहले इनको क्या हुआ कि हिचकी आती थी, हिचकी तो आप लोग समझते हैं ना, हिक्का संस्कृत में हिक्का बोलते हैं, हिचकी आते थे, हिचकी आते थे बड़े जोर से आते थे, घंटे भर से बंद नहीं हो रहे थे। अब मैंने वहां कहा कि अच्छा हम तुमको अब यहीं छोड़ देते हैं, भिक्षा मांग के खाना, पेड़ के नीचे रहना, है ना। जब मैंने ऐसे कहा तब ये रोने लगे तो 5-10 मिनट हिचकी आना तो बंद हो गया। देखो ज्ञान ने नियंत्रण कर दिया हो, है ना। अब जब तक ज्ञान शरीर की स्मृति पर आरूढ़ था तब तक हिचकी चल रही थी, और जब ज्ञान वियोग की कल्पना पर आरूढ़ हो गया, वियोग की कल्पना पर आरूढ़ हो गया तो रोना और भविष्य की कल्पना कि अब क्या होगा, कहां रहेंगे, कहां खाएंगे, कैसे करेंगे, स्वामी जी छूट जाएंगे, हैं? ये कल्पना हुई ना, ये कल्पना हुई, रोने लगे तो हिचकी बिल्कुल तुरंत ठीक हो गई। हम लोग बचपन में ऐसे करते थे, किसी बच्चे को जब हिचकी आती तो कहते तुमने हमारा चाकू चुरा लिया है, ए हमारे बस्ते में से चाकू तुमने चुराया। अब वो कहता नहीं नहीं हमने तो नहीं चुराया, कहता नहीं तुम ही ने चुराया, मास्टर साहब से शिकायत करते हैं। अब वो इतना डर जाता महाराज तो उसकी हिचकी आना बंद हो जाता। ये मनुष्य के जीवन पर ज्ञान का बड़ा भारी नियंत्रण है। तो कहो कि फिर हम जानते हुए गलत काम क्यों करते हैं, का इसलिए कि उस काम के दो हिस्से हैं, एक तो महात्म्य की जानकारी और एक सुख की जानकारी। अब विवेक कर लो उसमें, जैसे हम समझते हैं कि ब्रह्मचर्य से रहना धर्म है, श्रेष्ठ है, पवित्रता है, ये तो ब्रह्मचर्य के महात्म्य की जानकारी हुई ना, और एक जानकारी है कि भोग में सुख है, ये दूसरी जानकारी है। दो तरह की जानकारी है कि नहीं है, दो तरह की जानकारी है। तो जब हमारे सामने भोग की वस्तु उपस्थित होती है तब हमारा ज्ञान, यदि भोग की जानकारी न होती केवल महात्म्य की ही जानकारी होती तब तो महात्म्य के पक्ष में जाता,
लेकिन जो भोग के अनुभव हैं, भोग के संस्कार हैं, वे संस्कार उनमें भी तो ज्ञान है ना कि हमको इससे सुख मिलता है, इससे सुख मिलता है, इससे सुख मिलता है। तो एक सुख वासना में आरूढ़ ज्ञान और एक महात्म्य वासना में आरूढ़ ज्ञान, ये दोनों वासनाएं आपस में लड़ती हैं और वासनाएं हारती हैं और वासनाएं जीतती हैं। और ज्ञान जो है ना, जो दृढ़ होगा उसका पक्ष ज्ञान लेगा। ईश्वर किसका पक्ष लेता है वो, है ना, जो ईश्वर को नहीं छोड़ता है उसका पक्ष ईश्वर लेता है, भक्त का पक्ष ईश्वर लेता है, जो अपनी मदद करता है उसकी मदद ईश्वर करता है, जो अपने को जोखिम में डालता है वो सफल होता है, ईश्वर किसका पक्ष लेता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे जीवन का जो नियंत्रण है वो ज्ञानात्मक परमेश्वर तत्त्व वृत्तियों में आरूढ़ होकर के कर रहा है, और जहां दुहरी वृत्तियां हैं वहां जिसमें हमारी निष्ठा होगी वो सफल होगी और जिसमें हमारी निष्ठा ढीली होगी वो विफल हो जाएगी। इसी से भक्ति के मार्ग में श्रद्धा का बड़ा भारी महत्व है, निष्ठा का बड़ा भारी महत्व है। ज्ञान मार्ग में उसको निष्ठा बोलते हैं और भक्ति मार्ग में उसको श्रद्धा विश्वास बोलते हैं। और हम एक परमात्मा के सिवाय और बाकी सबको श्रद्धा विश्वास ही बोलते हैं। ये जो हम कहते हैं कि वेद श्रद्धा है, जन्म श्रद्धा है, वैकुंठ श्रद्धा है, उसको नीची निगाह से नहीं देखते हैं। एक परमात्मा सत्य है, उसकी अपेक्षा से और परोक्षता से युक्त होने के कारण श्रद्धा रूप है, और उनमें श्रद्धा करनी चाहिए। इसलिए नहीं कहते कि श्रद्धा कोई पाप नहीं है, भला श्रद्धा करना पाप नहीं है, विश्वास करना पाप नहीं है, श्रद्धा करना विश्वास करना अपने हृदय को ऊंचा उठाने का तरीका है। ये बात सच्ची है ना कि अन्य रूप से ईश्वर पर श्रद्धा की जाती है, ये बात सच्ची है कि अन्य परलोक पर, परोक्ष परलोक पर श्रद्धा की जाती है। ये भी सत्य है कि पुनर्जन्म पर श्रद्धा की जाती है, मानते हैं इस बात को, लेकिन श्रद्धा करना कोई पाप नहीं है। इससे हमारे हृदय का निर्माण, हमारे अंतकरण का निर्माण, हमारे जीवन का निर्माण, ईश्वर की ओर चलने में मदद मिलती है, ये मददगार है। बोला ना श्रद्धाधाराय अविर्जुषन्ति देवाः। लेकिन हम सत्य, परम सत्य किसको मानते हैं, एक अद्वितीय परमात्मा को जो प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न है, वही विज्ञान सिद्ध है, वही ज्ञान सिद्ध है, वही अनुभव सिद्ध है, उसके सिवाय दूसरी किसी भी वस्तु की सिद्धि सिद्धि नहीं है। तो भयादस्याग्निस्तपति, यही व्यष्टि की उपाधि से, यही अध्यात्म में ज्ञान ही हमारा संचालन करता है। इसी प्रकार समष्टि की उपाधि से, है ना, समष्टि की उपाधि से अग्नि इंद्र आदि का संचालन ज्ञान ही करता है। और असली परमात्मा में, निरुपाधिक परमात्मा में न नियम्य है और न तो नियंता है, उसमें अग्नि इंद्र आदि का भेद नहीं है, नियम्य नहीं है, और उसमें परमात्मा में नियंतापना नहीं है, वो शुद्ध ज्ञान है। तो भयाद अग्निस्तपति, भयाद अस्याग्निस्तपति, भयात तपति सूर्य, सूर्य सूर्य आंख में है ना, हमारी आंख से क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, क्या देखने में मजा है, एक वृत्ति यह है कि देखने में मजा है, एक वृत्ति यह है कि देखने में पाप है। वैसे आपको ये बात हम सुना दें कि देखना पाप नहीं है, सुनना पाप नहीं है, बोलना पाप नहीं है, सूंघना पाप नहीं है। ये जो पांच ज्ञानेंद्रियों में पांच प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है, ये इंद्रियां अगर अपना अपना काम करती हैं तो उसका नाम पाप नहीं है। परंतु राग द्वेष से युक्त देखना जो है वो पाप है। राग द्वेष से युक्त देखना पाप है। बोले नहीं, राग द्वेष से युक्त देखना भी पाप नहीं है, क्योंकि मन में जिससे राग होगा उसको राग युक्त देखेंगे, जिससे द्वेष होगा उसको द्वेष युक्त देखेंगे, वो तो देखेंगे ही देखेंगे, तब काहे में पाप है।
बोले कर्तापन में पाप है। आंख सहज भाव से जो देखती है, नाक सहज भाव से जो सुनता है, मन जो पाप जैसे संस्कार है कि अच्छा है ये बुरा है उसके अनुसार मन में रंजना आती है, मन में जलन आती है, तो वो भी सहज भाव से आती है, परंतु उसमें कर्तृत्व, उसमें अभिमान होना पाप है। बोले नहीं, अभिमान होना भी पाप नहीं है, अभिमान भी तो पहले से होता ही है, रहता ही है। जान बूझ करके निषिद्ध कर्म करना पाप है, और जान बूझ करके मन में राग द्वेष हो, ये भाव भाव आजकल बोलते हैं ना लोग, भाव भाव ये कौन बोलते हैं? जो लोग जगत के असलियत को नहीं जानते हैं, आपको हम बिल्कुल स्पष्टम स्पष्टम बोलते हैं, सड़क पर से बाएं चलना पाप है कि दाहिने चलना पाप है? अरे भाई, कानून के अनुसार चलना ये न्याय उचित है और कानून के खिलाफ चलना अनुचित है, इसमें विधि निषेध ही प्रबल है। बोला भाव नहीं, कोई पत्नी को कहे कि हम बहन समझते हैं, कोई बहन को कहे कि हम पत्नी समझते हैं, भाव क्या करेगा? बहन में पत्नी का भाव करना पाप है, क्यों? वो निषिद्ध स्थल पर है, निषिद्ध स्थल पर किया हुआ जो भाव है वो बड़ी तीव्र वासना से किया गया है और वो कर्तापन से किया गया है ना। अगर जहां मना लिखा हो कि यहां सड़क पार करना मना है और वहां कोई सड़क पार करने लगे तो जानबूझ करके अपराध करता है ना, जानबूझ करके प्रबल कर्तृत्व से, प्रबल वासना से प्रबल कर्तृत्व से, तब निषेध का उल्लंघन होता है, निषिद्ध कर्म का आचरण होता है और विहित कर्म का उल्लंघन होता है। विहित का उल्लंघन और निषिद्ध, तो ये विधि और निषेध से पाप पुण्य की उत्पत्ति होती है। आंख कान से नहीं होती, जीभ से नहीं होती, है ना, मन से नहीं होती, अभिमान से भी नहीं होती, परंतु जैसी मर्यादा, अब देखो ये यही बात है, मर्यादा तो हमेशा कृत्रिम होती है ना, देश देश में अलग होगी, संप्रदाय संप्रदाय में अलग होगी, है ना, समय समय में अलग होगी, मर्यादा देश के अनुसार होगी, काल के अनुसार होगी, संप्रदाय के अनुसार होगी, जाति के अनुसार होगी, तब वो विधान की प्रधानता से होगी। और वस्तु की प्रधानता से माने तो बोले वैज्ञानिक लोग जांच करके जब बतावें कि यहां दाहिने से जाने पर कौन सी अच्छी किरणें तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेंगी और यहां बाईं ओर से घुसने से कौन सी अच्छी किरणें तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेंगी, ऐसे जांच करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मर्यादा नहीं बनाई जाती, क्योंकि तत्व दृष्टि से सब का सब एक है, सब का सब अद्वितीय है, तत्व दृष्टि से भेद नहीं है। तो तत्व दृष्टि से भेद नहीं है तो भेद बनाया हुआ है। हम लोग जब कहते हैं ना कि बिना शास्त्र के धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं हो सकता, तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? हमारा अभिप्राय यह होता है कि तत्व दृष्टि से सब एक है और धर्म अधर्म बिना अध्यारोप के, बिना कल्पना के धर्माधर्म नहीं हो सकता। इसलिए है ना, जो हमारा शाश्वत संविधान है उसी के अनुसार धर्माधर्म की कल्पना होती है, वस्तु के अनुसार नहीं होती, कर्ता के अनुसार नहीं होती, भावना के अनुसार नहीं होती, विधान के अनुसार होती है। ये बड़ी अद्भुत लीला है। तो भया तपति सूर्य, देखने में पाप नहीं है, हो देखने में विधान का जहां उल्लंघन है, निषिद्ध दर्शन जान बूझ करके कर्तृत्व पूर्वक निषिद्ध का दर्शन पाप है, और जान बूझ करके कर्तृत्व पूर्वक विहित का उल्लंघन पाप है। ये बात तो अब इसमें तुम्हारा ज्ञान जो है ना वो किस पक्ष में जाता है? अगर ज्ञान के आदेश के विपरीत करोगे, ज्ञान की आज्ञा नहीं मानोगे, ज्ञान का अनुशासन नहीं मानोगे, तो एक दिन ग्लानि होगी, दुख होगा, है ना, मलिनता आवेगी। भयात तपति सूर्य, ये सूर्य आंख में बैठा हुआ सूर्य उसी ज्ञान रूप ईश्वर के भय से तपता है, तपता है माने नेत्र का संचालन करता है। भयाद इंद्रश्च वायुश्च, ये इंद्र जो है
हाथ में बैठा हुआ इंद्र होता है, इंद्र का देवता हाथ, आंख का देवता सूर्य, वाक का देवता अग्नि, और प्राण अपान आदि जो वायु है ना, प्राण अपान समान उदान व्यान कृकलास देवदत्त धनंजय, वायु के 49 भेद मानते हैं वो। इंद्र ने दिति के गर्भ में मरुत को 49 टुकड़े कर दिया। वायु के 49 भेद होते हैं, उसमें 10 प्रकार की वृत्तियां शरीर के भीतर रहते हैं, प्राण अपान समान उदान व्यान देवदत्त धनंजय कृकलास, ये सब उनके नाम हैं। तो 10 प्रकार की वृत्तियां रहते हैं, वायु एक है और वृत्तियां 10 हैं। देखो सांस ऊपर से निकलती है और फिर ऊपर से ही बढ़िया हवा लेके भीतर चली जाती है, गंदी हवा बाहर निकलती है और अच्छी हवा भीतर ले जाते हैं, और अपान वायु नीचे को निकलती है वो और फिर लौट के नहीं आती। इसी एक शरीर में ये हवा का भाग, ये विभाग, क्यों अपान अपनी मर्यादा में नीचे को ही जाता है ऊपर को नहीं आता, और क्यों प्राण वायु ऊपर को ही आती और जाती है नीचे को नहीं जाती, ये अपनी मर्यादा में स्थित क्यों है? ये अलग अलग वायु जो हैं, ये सब के सब ज्ञान के नियंत्रण में है। बोला यदि आत्मबल ज्ञान के नियंत्रण में है, ये जहां नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा के ज्ञान में हमारी वृत्तियां लीन हो जाती हैं। आपने सुना होगा कि योगी लोग जब समाधि लगा लेते हैं ना, तो पाचन नहीं होता है, मलापसरण नहीं होता है, पेशाब शौच नहीं आता है, खून भी नहीं चलता है, बाल भी नहीं बढ़ता है। ये क्या है कि जब ज्ञान हिलता है, हिलने वाली चीज के साथ जब ज्ञान का तादात्म्य होता है, प्रकृति और प्राकृत के साथ जब ज्ञान का तादात्म्य होता है, तब सारी क्रिया शरीर में होती है, और जब प्रकृति और प्राकृत के साथ तादात्म्य छूट जाता है, दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है नारायण। ये हिलना चलना सब ज्ञान का ही विलास है। तो भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः, ये ज्ञान का विलास देखो शरीर में। ज्ञान ये सर्वज्ञ का भी नियंता ज्ञान ही है, सर्व ज्ञान से प्रकाशित होता है, और सर्वज्ञ भी ज्ञान से प्रकाशित होता है, और अल्प भी ज्ञान से प्रकाशित होता है, और अल्पज्ञ भी ज्ञान से प्रकाशित होता है। अल्पज्ञ और सर्वज्ञ दोनों में एक ही ज्ञान है, छोटे मटके में और बड़े मटके में एक ही आकाश है। पेट का बड़ा मटका है और जिसमें चाय का पानी भर के लाते हैं ना, वो अरे मुंह जो है ना, जैसे पानी भर के लाते हैं, वो मुंह के भीतर पोल है कि नहीं, और ये खड़े की तरह पेट है, दोनों के भीतर अवकाश बिल्कुल एक ही है। इसी प्रकार जो चैतन्य वस्तु है मृत्युर्धावति पंचमः, ये श्रुति और जगह बहुत जगह आई है, आत्मद बात पवते भीषा अग्निश्च वायुश्च, श्रीमद् भागवत में कई जगह दोहराई हुई है, भयं भीषणानां, है ना। यदि तुम्हारे भीतर ज्ञान में द्वंद्व है, ज्ञान में द्वंद्व है, एक सुख का पक्षपाती ज्ञान है और एक निरोध का पक्षपाती ज्ञान है, एक भोग का पक्षपाती ज्ञान है और एक निरोध का पक्षपाती ज्ञान है, तो ग्रंथ मन ही है, परंतु निरोध की उपाधि से और वासना की उपाधि से वो भिन्न भिन्न मालूम पड़ता है। तो ये दोनों ही ज्ञान के द्वारा ही भोग भी संचालित होता है और निरोध भी संचालित होता है। हम मृत्यु की ओर जाते हैं, हम अमृत की ओर जाते हैं, ये ज्ञान के द्वारा संचालित होता है। संस्कारानुसारिणी जो वृत्ति है, उसमें जो ज्ञान का प्रतिबिंबन है, ज्ञान का आभास है, वहां जो अधिष्ठान रूप से प्रकाशक रूप से ज्ञान है, उसी के द्वारा सारा का सारा संचालन होता है। तो उस ज्ञान के स्वरूप को यदि समझना है ना, तो यह चे दशकत बोध तुम, यदि तुमने इस जीवन में समझ लिया, अभी समझो, मरने के बाद समझने की चीज नहीं है, या जन्मने से पहले तुम समझ के नहीं आए हो। वेदांत जो है
वो अदृष्ट की चर्चा नहीं करता है। इसमें सब धर्म का फल भी दृष्ट ही है, दृष्ट ही है माने इसी लोक में है वो धर्म का फल। क्या धर्म का फल क्या है? अपने अंतःकरण की निर्मलता, पवित्रता, स्वच्छता जो इसी जीवन में अनुभव होती है वो धर्म का फल है, धर्मानुष्ठान का फल है। एक पुरोहित धर्म है, आत्मधर्म। एक साधु धर्म होता है, एक पुरोहित धर्म होता है। तो पुरोहित धर्म जो होता है वो स्वर्ग नरक की चर्चा पर आधारित है, और जो महात्माओं का धर्म होता है वो अंतःकरण की शुद्धि अशुद्धि पर आधारित है। देखो कोई भी काम करके तुम्हारा अंतःकरण निर्मल हुआ कि नहीं, स्वच्छ हुआ कि नहीं, प्रसन्न हुआ कि नहीं, यदि अंतःकरण तो इसी जन्म में शुद्ध होता है, अगले जन्म के लिए नहीं, इसी जन्म में शुद्ध होता है। और शुद्ध अंतःकरण में परमात्मा का ज्ञान इसी जीवन में होता है। वो तो जिनका इस जन्म में होने को जिनकी उम्मीद नहीं है ना, वो लोग कहते हैं भाई करते रहो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म, वो नाउमीद लोग हैं। इस जन्म में जो नाउमीद हो गए हैं है ना, बोले भाई बेटा होने के लिए यज्ञ कर लो, तो बोले कह रहे यज्ञ करने पर भी अब क्या बेटा होगा, मतलब तो बुढ़ापा आ गया है ना, नपुंसकता आ गई, ऐसे समझे अब क्या यज्ञ करने पर बेटा होगा। तो बोले अच्छा यज्ञ तो कर लो, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में होगा, यज्ञ तो करो। तो ये जो अंतःकरण की शुद्धि है ये इसी जन्म में होती है, ये जो परमात्मा का साक्षात्कार है ये अभी होता है, बोला अभी होता है। जो परमात्मा इसमें नहीं है वो तो अधूरा है, जो परमात्मा इस समय नहीं है वो तो मुर्दा है, जो परमात्मा इसी रूप में नहीं है, इसी शरीर में नहीं है नारायण, वो परमात्मा भला पूरा कैसे हो सकता है। तो कितने सौभाग्य की बात है कि परमात्मा अभी है, यही है और इसी शरीर में है। अब इतने अगर ऐसा नहीं है तो परमात्मा ही नहीं है बोला, क्योंकि वो अद्वितीय नहीं है, वो पूर्ण नहीं है, वो ब्रह्म नहीं है, वो ईश्वर नहीं है, वो सर्वव्यापक नहीं है, वो निराकार नहीं है। जो अभी नहीं है वो या तो मर गया या तो पैदा नहीं हुआ, और जो यहां नहीं है वो दिल्ली में होगा है ना, तो दिल्ली का परमेश्वर तो टिकाऊ नहीं है ना, दिल्ली का परमेश्वर, दिल्ली का संसार तो टिकाऊ नहीं है, वो तो बदलता रहता है, तो यहां नहीं होगा तो दिल्ली में होगा है ना। और यदि वो यही नहीं है तो उसमें युधिष्ठिर और दुर्योधन तरीका द्वंद्व होगा, युद्ध होगा, ईश्वर दो नहीं होते हैं, तो केवल पहचानने भर की देर है। जैसे किसी का मित्र हो और उसके साथ हो, उसके सामने हो, वो देख भी रहा हो, बात भी कर रहा हो और उसको ढूंढ रहा हो, बोले क्यों, तो बोले पहचानता नहीं है, किसी ने बताया भी कह रहे जिस मित्र को तुम ढूंढ रहे हो वो यही तो है, पर विश्वास ना हो, विश्वास ना हो। ऐसी स्थिति में ये मनुष्य पड़ा हुआ है। तो इसी जीवन में प्राक शरीर से विसरता, ये शरीर बिखर जाने के पहले इसको पहचान लो, और इसको पहचान लोगे तो अमृतास्ते भवन्ति, तुम अमर, तुम अजर, तुम अमृत, तुम परब्रह्म परमात्मा स्वयं वही। और यदि उसको नहीं जानोगे तो सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते, किसी क्रिया में ईश्वर को मत डालो कि ये कर्म जब होने लगेगा तब ईश्वर है, जब ऐसा कर्म हम करेंगे तब ईश्वर, जब ऐसा कर्म होने लगेगा तब ईश्वर, कर्म के चक्कर में ईश्वर को मत डालो। जब हमारी आंख ऐसी हो जाएगी तब ईश्वर, सकल की चक्कर में ईश्वर को मत डालो। जब हम वैकुंठ में पहुंचेंगे तब ईश्वर, वैकुंठ के चक्कर में ईश्वर को मत डालो। जब समाधि लगाएंगे तब ईश्वर, समाधि के चक्कर में ईश्वर को मत डालो। अरे अभी यही जैसे तुम हो वैसी है ना, अपने आप को देखो, नहीं तो ये शरीर धारण की जो परंपरा है, बारंबार वासना, बारंबार उसके अनुसार आकृति चलती रहेगी, गति रहेगी, तो एक जगह से दूसरी जगह गति कब तक रहेगी, जब तक अणुत्व रहेगा, अपने में नारायण परिच्छिन्नता रहेगी। परमात्मा को इसी जीवन में प्राप्त करो, अभी प्राप्त करो, ये परम सत्य साक्षात्कार करने के लिए। अच्छा।